अस्सलामुअलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी रेडी हो रही है। आज मैं बना रही हूँ अरबी गोश्त। रवायती अरबी गोश्त बनेगा, बहुत ही टेस्टी और यमी अरबी गोश्त। मुझे बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगा। जिन जिन को पसंद है वो इस रेसिपी को ज़रूर लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा भी कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए हम शुरू करते हैं अरबी गोश्त बनाना। हाफ के जी के करीब मैंने अरबी ले ली थी। अरबी को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। चिकन लिया मैंने 1 kg के करीब। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ले ली है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। 1 अदद प्याज लिया है। अदरक और लहसुन मैंने ले लिया है, छिला हुआ अदरक और लहसुन। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ले ली है और हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर लिया और हाफ टी स्पून जीरा लिया है। चलिए आए अरबी गोश्त बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे बहन भाई YouTube चैनल देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मोबाइल उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। बहुत शुक्रिया। प्रेशर कुकर में मैंने हाफ कप घी का डाल दिया। इसमें चला जाएगा प्याज और इसमें चला जाएगा अदरक और लहसुन। करेंगे गोल्डन ब्राउन, फिर मिलती हूँ आपके साथ। प्याज लहसुन और अदरक हमारा गोल्डन हो गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं 1/2 cup पानी का। 1/2 cup चला गया पानी का। प्याज को मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि फिर निकालने से फिर आप मिक्सी जार में डालते हैं बहुत मसला होता है। मिक्सी जार में आप ना डालें। एक मिक्सी आप ये ले लें अगर आपके पास है मौजूद घर पे, तो बहुत आसानी रहती है इससे। और इससे मैं मसाले को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला आपका सारा रेडी हो जाएगा, जिस तरह का आप मसाला चाहते हैं। बहुत ही इजी हो जाता है हर चीज़ का। इससे मैं इसी से कर लेती हूँ। हम नहीं निकालते मसाला वगैरह, निकालने से वो ये होता है कि फिर वो मिक्सी जार में करें। इसमें हमने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर 1/2 teaspoon और 1/2 teaspoon चली गई हल्दी। इसमें चला गया जीरा और इसमें चला गया नमक। ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी। चिकन शामिल कर देंगे इसी के साथ। अरबियाँ, जो अरबी धुली हुई रखी थी मैंने 1/2 kg के करीब, वो मैंने अरबी भी इसी में डाल दी। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से भून लेना है ताकि चिकन भी अच्छे से भुना जाए हमारा और अरबियों का भी मसाला हमारा अच्छे से हो जाए। इसको भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और चिकन और हमारी अरबियाँ भी अच्छे से भून चुकी हैं। मसाले से घी आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी में डालूंगी इसके अंदर 1.5 glass और इसको लगाऊंगी रेट तकरीबन 5 मिनट का। जैसे ही हमारा प्रेशर बोलने लग जाएगा हम इसको उतार देंगे। चिकन भी साथ ही हमारा गल जाएगा और साथ ही हमारी अरबियाँ भी गल जाएंगी। 5 मिनट का मैंने वेट लगा दिया है। जैसे ही सीटी बोलने लग जाएगी 5 मिनट बाद मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और फिर हम करेंगे इसमें जो मसाले दूसरे शामिल करेंगे। चले आए हम 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट हो गए थे, अरबी गोश्त बहुत अच्छे से सीटी बोलने लग गई थी और मैंने इसको उतार लिया है। इसमें चली जाएंगी 4 हरी मिर्चें। मोटी वाली हरी मिर्च ली है, इसके अंदर से मैंने छुरी के साथ इसको चाक कर लेना है और फिर मैंने इसके अंदर डालना है। इतनी हम सालन का जो है ग्रेवी जो रखेंगे वो इतनी रखेंगे, क्योंकि ये नान के साथ चपाती के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। इसमें चली जाएगी काली मिर्च पाउडर, इसमें चला गया गर्म मसाला। और एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि जो लोग पहले ही काली मिर्च डाल देते हैं और गरम मसाला डाल देते हैं उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। जब चीज़ रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है, उसके बाद हम काली मिर्च और गरम मसाले का यूज़ करें। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा जो है अरबी गोश्त रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी और यमी।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें और रेसिपी को एंड तक देखा करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी रेसिपी मेरी ये वाली शेयर कर दिया करें जो भी रेसिपी आती है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।